इस समय मध्य प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं, आज मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक के 36% वोट पड़ चुके थे। सारे चुनाव में स्थानीय मुद्दे गौण हो गए। इसे लेकर दूसरे जो कांग्रेस ने जो मुद्दा रखा है सब जगह, वो ये रखा है कि गद्दार वाला मामला उसमें उठाया है, वहीं भाजपा ने विकास के मुद्दे को कैप्चर करके रखा था। इन सारे मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ में आज मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री सदाशिव भौरिया जी और भाजपा के जिला प्रवक्ता श्री सुनील जैन जी। तो आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं मांधाता विधानसभा चुनाव को लेकर। तो जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मांधाता विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस ने धोखेबाज दगेबाज वाला जो मुद्दा उठाया है, उससे भाजपा को कितना फर्क पड़ा? इससे जो धोखेबाज भिकाऊ टिकाऊ वाला जो मामला चल रहा है, वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। भाजपा का जो विकास का पहिया था, वो लगातार चल रहा था 15 वर्षों में। हमने यदि पूर्व में हम देखें दिग्विजय सिंह के समय, जो प्रदेश पूरी तरह पिछड़ गया था, इंडिया में बिहार की जैसी स्थिति उसकी हो गई थी, लेकिन परिवर्तन जनता ने किया, बिजली, सड़क, बिजली, पानी को लेकर, और भाजपा की सरकार बनी। लगातार हम देखें कि 15 सालों में नहीं, बिकाऊ और टिकाऊ में, मतलब जब बिकाऊ टिकाऊ वाली बात कांग्रेस कर रही थी, तो भाजपा ने इसका जवाब कैसे दिया है? हम अभी बात कर रहे हैं। नहीं, मैं वही बताना चाहता हूँ कि भाई जिस प्रकार की कमलनाथ कुछ लंगड़ी सरकार कमलनाथ ने बना ली, झूठे वादे करते हुए विधानसभा चुनाव में 2 लाख रुपए का 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार भत्ता देंगे, महिलाओं को, आंगनवाड़ी वाली महिलाओं को जमा पैसे करेंगे, लेकिन कोई भी मुद्दे उनके सफल नहीं हुए। और हम देख रहे हैं कि लगातार उन्होंने 15 महीने में किसी का विकास नहीं, कोई भी विधायक जाता था, मंत्री जाता था, चलो देख लेंगे के अलावा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ वल्लभ भवन से एक ट्रांसफर उद्योग चला, बाकी विकास कार्य बंद होने के कारण उन्हीं के, हमने कोई किसी को खरीदा नहीं, किसी को बेचा नहीं। हम तो ये मान रहे थे कि और 5 साल हमको विपक्ष में बैठना है और जनता की सेवा विपक्ष के माध्यम से करना है। लेकिन यदि मैं वही बोल रहा हूँ कि ये बोलते हैं कि भाई बिकाऊ टिकाऊ पैसे में खरीद लिए, मेरा यह मतलब है कि आज देश का सबसे बड़ा वरिष्ठ नेता कांग्रेस का, जिसको पूरी कांग्रेस पूछती थी, और एक मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करके मध्य प्रदेश में चुनाव जीते, लेकिन उसके साथ दगा करा, वो परेशान हो गया, यहाँ तक कि उसको ऐसे ऐसे शब्द बोले गए कि तेरे को लग रहा है तो तू सड़क पर आके जगह प्रदर्शन कर। जब यही वाला मामला में जब बोल रहा हूँ कि जब सड़क पर आने की बात उनको कही गई। स्थानीय मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ने भी स्थानीय मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। नहीं, आप एक भौरिया जी, आप बताइए, स्थानीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने भी बात नहीं करी? कांग्रेस ने भी वहाँ पर टिकाऊ और बिकाऊ वाला मुद्दा रखा है, लेकिन स्थानीय जो मुद्दे रहे हैं वहाँ के, वो गौण रहे हैं। जैसे सड़क का मुद्दा है, वो गौण रहा। वहाँ पर जो पानी का मुद्दा है, वो गौण रहा। किसानों की परेशानियों वाला मुद्दा गौण रहा। आप क्या बोलेंगे इसमें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमने तो, हमारे मुद्दे तय थे जी, 2018 के चुनाव में भी हमारे मुद्दे तय थे, और उन्हीं मुद्दों पर हमने, भले ही हमारी सरकार को इन लोगों ने 15 महीने चलने दी और 15 महीने में इन लोगों ने गिरा दी। और उपचुनाव में स्थानीय मुद्दे ज्यादा महत्व रखते हैं। स्थानीय मुद्दा सबसे बड़ा वहां पर रोजगार का, हमने रोजगार की कहीं बात कोई सुनने में नहीं है। हमने स्थानीय मुद्दों पर ही पूरा फोकस किया है। कौन से स्थानीय मुद्दे थे आपके पास में वहां पर? नहीं नहीं, आप बताइए ना, आपको नहीं, हम बता रहे हैं ना, हमने मांधाता विधानसभा क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने का हमारे पास में विजन है। हम उन लोगों को बराबर वहाँ रोजगार देंगे। हमारे प्रत्याशी ने जो राखड़, सुनिए आप हमारी बात, जो राखड़ हमारे वहाँ से पावर प्लांट से आज बाहर जा रही है पूरे देश में, हम, हमारे उम्मीदवार का विजन है कि हम यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री डलवाएंगे, उस राखड़ से यहीं पर सीमेंट बनेगा, उससे सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरीके से और भी दूसरे कई प्रकार के हमारे जो मुद्दा है, ये कितना प्रभावी रहा होगा वहाँ पर इस पूरे चुनाव में? इसका प्रभाव आपको 10 तारीख को बराबर दिखेगा। आप क्या बोलते हैं, मतलब जो रोजगार, जो मैं बोला कि जिस प्रकार कांग्रेस ने अपने विधानसभा चुनाव में बेरोजगारों को रोजगार देने की बात थी, कहीं से कहीं तक वो पूरी तरह से फेल हुए, और उन्हीं के लोग, चाहे वो सिंधिया जी हो या 25 विधायक या मंत्री, जब यदि नारायण पटेल जब भी कमलनाथ के द्वार पे गए, सच तो खाली हाथ भैया क्षेत्र की समस्या लेके गए, मेरे क्षेत्र में विकास कर दो, किलोत को तहसील का दर्जा दे दो, मुंदी को, लेकिन पूरे 15 उसके द्वार बंद हो जाते थे, और चालू मतलब सीधा सड़
लिए सूखा जवाब मिलता था। उनकी बात पूरी कर ले दो। नारायण पटेल जब भी कमलनाथ जी के द्वार पर गए खाली हाथ लौटना पड़ा, एक भी एक रुपए का विकास कार्य नहीं 15 महीने में। मतलब ये कितनी बड़ी सोचनी बात है कि आज हम यदि देखें तो वही विकास की बात करते हैं हम क्षेत्र के, तो क्षेत्र में अंदर क्षेत्र में सुनो क्षेत्र में आचार संहिता लगने के पूर्व इनकी बात हो जाए तो फिर उसके बाद अपन आते हैं। आचार संहिता लगने के पूर्व जब नारायण पटेल के जितने भी काम थे वो कामों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समझा और आचार संहिता के पहले जो जो वादे लेके वो कमलनाथ के पास दौड़ते थे, द्वार द्वार जाते थे, दरवाजा लग जाता था, चलो चलो करके बोलते थे आश्वासन। मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन वो वर्तमान पूर्व विधायक हो गए, लेकिन जब विधायक रहते हुए काम नहीं करवा पाए, पूर्व विधायक रहते हुए हमारे मुख्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नारायण पटेल जी की बात का सम्मान किया, किल्लोत मूंदी को तहसील का दर्जा, नगर पुनासा को नगर पंचायत, पर्यटन स्थल संगाजी महाराज को पर्यटन स्थल के करोड़ों रुपए की घोषणा। मानदाता विधानसभा का यदि चौमुखी विकास हुआ है तो भाजपा की देन है। हनुमंत्या टापू सैलानी हनुमंत्या से लेकर आप देखो देश का सबसे बड़ा मानदाता विधानसभा में क्षेत्र में सबसे पहले जो मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बोलते थे यह असंभव है मैं पानी नहीं ला सकता, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्यान सिंचाई योजना के माध्यम से 100 से ज्यादा गांव को आज हरा भरा कराया, ये किसकी देन है? चलिए आप बताइए इस मामले में जो सुनील भाई ने अभी बात कही है उसका जवाब आप दीजिए। देखिए इनकी प्रत्येक बात सिरे से इस प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। 15 वर्षों के इनके भाजपा शासन काल में इस प्रदेश के अंदर ऐसा कौन सा ये बड़ा उद्योग लाए या इन्होंने इस प्रदेश के बेरोजगारों के लिए ऐसा कौन सा काम किया जो बेरोजगारों को रोजगार मिला हो? इन्होंने शिक्षा को ध्वस्त कर दिया, स्वास्थ्य सेवाओं को ध्वस्त कर दिया, सिवाय मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इसके अलावा इनके पास में इस प्रदेश की खुशहाली का, इस प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने का कोई एजेंडा नहीं रहा। भाजपा के पक्ष में एक बात तो जाती है क्योंकि कोरोना काल था और इस बीच में इन्होंने संभाला और उसके अंदर कोरोना के लिए व्यवस्थाएं करने में समय देना पड़ा, लेकिन उसके पहले जो 15 महीने की जो सरकार थी कांग्रेस की, कांग्रेस ने क्या किया है वो बताइए। कांग्रेस ने तो कोरोना का तत्काल संभाल लिया था। यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ट्रंप को इस देश के अंदर एंट्री नहीं देते तो कोरोना हिंदुस्तान के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं कर पाता। कितनी लापरवाही बरती गई। आज आप विदेशियों को हमारे यहाँ पर गले में हाथ डाल के ला रहे हो कि आइए और हमारे यहाँ कोरोना छोड़ जाइए, ये गलती इनकी रही। आदरणीय कमलनाथ जी तो हम फिर आए स्थानीय मुद्दों के ऊपर, स्थानीय मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। जैसे साहब ने कहा कि वहाँ पे हनुमंत्या को विकसित किया है, एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बना है, सभी जानते हैं, सब लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो हनुमंत्या में जो पर्यटन स्थल बना है इसके पीछे मतलब स्थानीय लोगों को रोजगार देना था या उनको लाभ पहुंचाना था या कोई और कारण? नहीं, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था और हनुमंत्या को डेवलप करने के पीछे हमारे पूर्व विधायक राजनारायण सिंह जी का भी बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने भी इस बात के लिए, आज वो राजनारायण सिंह जब तक विधायक रहे उन्होंने बड़ी मेहनत करी इंदिरा सागर डैम बनाने में से लेकर उससे होने वाले लाभों को इस क्षेत्र में कैसा दिलाया जाए उस पर उन्होंने बहुत मेहनत करी। ये आज आप जो देख रहे हैं उद्वहन सिंचाई, दो दो जगह उद्वहन सिंचाई जो तैयार हो गई है और उससे हजारों हेक्टेयर जमीन को जो आज पानी मिल रहा है पुनासा और मुंदी क्षेत्र में, ये राजनारायण सिंह जी की सोच थी। राजनारायण सिंह जी लगातार काम मैं ये बोल रहा हूँ भाई साहब बता रहे राजनारायण की सोच तो थी लेकिन वर्क कहाँ हुआ उनके राज में? कहाँ हुआ जमीन पे? मुख्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिग्विजय सिंह नहीं उन्हीं के राजनारायण सिंह के गुरु दिग्विजय सिंह उसी मंच पे जहाँ पर सांसद नंद कुमार सिंह मौजूद रहते नंद कुमार सिंह चौहान ने बोला कि आप सिर्फ एक योजना ले आओ यहाँ की सिंचाई की योजना को जो पास के पास नर्मदा बह रही है मैं तुम्हारे पैर छू लूंगा, लेकिन बोले ये नंद कुमार सिंह चौहान ये असंभव है, कुछ भी बातें नहीं होती, लेकिन हमारे मामा ने वो करके दिखाया। आज 100 गांव में खेती मानदातों को चमन करा है। आज इतना बड़ा सिंगाजी प्लांट
जब पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में बिजली जा रही है, पूरे प्लांट की बात आ रही है तो सिंघाजी प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वहाँ पे लगातार इसको लेकर आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर लोगों में विरोध है, लोग यही चाह रहे हैं कि वहाँ पे उनको स्थानीय बेरोजगारी मुद्दा है बिल्कुल बराबर यथावत बना हुआ है, हम मान रहे हैं, लेकिन मेरा ये मतलब है कि जिस प्रकार उद्योग और जिस प्रकार का बनता था विधानसभा में डेवलप हो रहा है, निश्चित तौर पर वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। लगातार हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि बेरोजगार मतलब युवाओं को छोड़ नहीं रहे, पूरी ताकत के साथ पूरे देश के अंदर, पूरे देश में चाहे मोदी जी हो या प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, युवाओं को लगातार ये देखो, युवाओं की बात करते थे बोले 4,000 रुपए देंगे, लेकिन क्या बोले, अरे 4,000 कब मिलेंगे बेटा, जरा पहले ढोल चराना जा, पहले बाजा बजाना सीख, ये तरीका है कमलनाथ जी का, क्या विकास करा 15 महीने में, ढोल ढोल चरा बोले, ढोल चराना सीखो, किसने तो बिजली बोले पहले बाजा बजाना सीखो, 4,000 ऐसे नहीं मिलेंगे, इस प्रकार कमलनाथ जी ये काम नहीं होता, और आपकी आपकी करनी और कतनी में अंतर के कारण आपके लोग टूटे और आज ये स्थिति बनी है, ये उपचुनाव कमलनाथ की देन है, देश की जनता को मूर्ख बना रहा, हमने तो गौशालाएं बनाई। चलिए देखिए, अब दूसरी बात ये आ रही है कि नारायण पटेल कांग्रेस छोड़कर के भाजपा में आए, बहुत सारी जगह ये स्थिति निर्मित हो रही है कि वो ये कह रहे हैं कि पंजे पे वोट दे दो, ये उन्होंने बोला है, मंच से बोला है, आदरणीय आपके एक जानकारी मैं दे दूं कि अभी इमरती देवी वोट देने गई, एक मिनट मेरी बात हो जाने दो, तो यहाँ पर जो स्थानीय लोगों का कहना है, मतलब जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो भाजपा के कार्यकर्ता है, दोनों ही खबर, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने इसलिए ज्यादा मेहनत करी है कि नारायण पटेल उधर चले गए इसलिए इसको जिताना है, वो भाजपा के कुछ कार्यकर्ता इसलिए काम नहीं कर रहे हैं कि नारायण पटेल बाहर से आए हैं और उनको यहाँ कैसे जिताना है। भाजपा में जब एक बार टिकट किया जो लग जाता है और सिर पे जिसको तिलक लग जाता है, पूरी भाजपा संगठन पूरी ईमानदारी के साथ सक्रियता के साथ चुनाव मैदान में जुड़ जाती है, कोई भी ऐसा शख्स आप बता दो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर संतोष राठौर, पूरी तरह मैदान में सक्रिय होकर कंधे से कंधा मिलाकर मैदान जंग में आए हैं, और 10 तारीख को जो नतीजा आएगा वो अमूल चूक परिवर्तन के साथ आएगा, हजारों वोटों से नारायण पटेल भाजपा का कमल खिलाएंगे। चलिए बधाई आपको अभी से उसके लिए। दूसरी बात, कांग्रेस में एक जो बात उठी है, वहाँ पे जो पूरा चुनाव का मैनेजमेंट रहा है, एक आरोप ये लगते रहा है कि पूरा पूर्णी जो था उसके ऊपर पूरा डिपेंड रहा है, वहाँ पर चुनाव प्रचार का जिम्मा, स्थानीय जो दूसरे नेता हैं जिले के उनको वहाँ पे बराबर मौका नहीं मिला, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं स्वयं जब से नारायण पटेल को ये लोग ले गए हैं जी, तब से मैं लगातार उस क्षेत्र में जा रहा हूँ, मैं मछुआ फिशरमैन कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद भी, आप दावेदार भी थे वहाँ पर? जी मैं दावेदार भी था जी, परंतु हमको वहाँ पर जो हमारे स्थानीय व्यक्ति की ज्यादा दरकार थी, इसलिए हमने जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के सामने मैंने जाकर ये दरकार की कि स्थानीय प्रत्याशी की दरकार अधिक है, इसलिए हम अपने आप को पीछे करते हैं। मैनेजमेंट और जनता, हाँ मैं वही आ रहा हूँ कि जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, कांग्रेस के चुनाव मैनेजमेंट की बात है, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ओंकार पटेल जी पूरे 2 महीने से वहाँ पर डटे हुए हैं, लेकिन और बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट पूरा पूर्णी जो पूर्णी खानदान है उसके हाथ में रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के हाथ में हर प्रकार का काम काज है। अभी हम आपसे हमारे सभी मंडल ब्लॉक अध्यक्ष सब लगे हुए हैं। 2 मिनट के लिए हम यहाँ पर विराम देते हैं, 2 मिनट बाद आपसे फिर आकर के मिलते हैं, ये चर्चा जारी रहेगी। हम फिर हाजिर है आपके सामने अपना विशेष कार्यक्रम मतदाता का किंग कौन लेकर, आइए हम बात जारी रखते हैं श्री सुनील जैन और श्री सदाशिव भवरे जी के साथ में। मतदाता में अब तक 56% मतदान हो चुका है दोपहर 3 बजे तक के, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो 56% मतदान हुआ है ये किसके पक्ष में ज़्यादा जा सकता है? जो माहौल जो चुनाव का रहता है और अभी जो फसल को भी हम देखें तो उस दृष्टि से अभी फसल का भी कटने का समय पूरा नहीं है, और पूरी तरह से किसान हो या और भी लोग हैं जो चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के पक्ष में रहते हैं, और हम जहाँ तक समझते हैं कि अब जब 3 बजे जो 56% हो चुका है तो ये आंकड़ा शाम को 6 बजे तक 70 से ऊपर जाने की संभावना है, और कहते हैं कि पूरे देश में परंपरा है कि ज़्यादा मतदान भाजपा के पक्ष में रहा है, और हम देख रहे हैं कि लगातार जो मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है वो हमारे पक्ष में अग्रसित होने की तैयारी में है। भवरे जी, आपको भी यही लगता है कि अगर ज़्यादा मतदान होता है तो भाजपा के पक्ष में जाएगा? हमारे साथी सुनील जैन साहब ने जो बात कही है मैं उसे सिरे से नकारता हूँ। ये जो अधिक मतदान जितना होता जाएगा,
हमारा प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह उतनी ज्यादा उसकी लीड बढ़ती चली जाएगी और उतने ज्यादा वोटों से नारायण पटेल हारते चले जाएंगे। वहां एक उत्साह है, ये चुनाव भाजपा और कांग्रेस नहीं लड़ रही है, मानदाता विधानसभा या 28 सीटों पर, इस समय सीधे सीधे जनता भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है और इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, ये पहली बार इतिहास में ऐसा होगा जैसा हमारे भाई ने कहा कि अधिक वोट हमें से भाजपा को लाभान्वित होती है, इस बार ऐसा नहीं होगा। चलिए, अभी कुछ देर पहले मानदाता से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं नारायण पटेल जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि कुछ बड़ी सौगातें सीएम ने यहाँ पर दिए हैं और चुनाव जीतते ही कुछ और बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर आने वाले हैं, आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विशेष नज़र इस दादाजी की नगरी या संत सिंगा जी पर रही है। बड़े बड़े जो हम देखे, कई चीज़ों को मैंने छोड़ दिया है, उद्यान सिंचाई के साथ ही सिंगाजी थर्मल पावर के साथ हनुमंत्या टापू, सैलानी टापू और सबसे बड़ी बात की ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी, तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर की नगरी की नगरी में आप लोगों से पीने का पानी नहीं दिला पा रहे हो। भैया खंडवा की बात नहीं, अपन मानदाते की बात कर रहे हैं सदाशिव भाई, खंडवा की बात भी जब करेंगे, जब अपन बहुत बात करेंगे निकलती है तो दूर तक जाती है। ये वाली बात पूरी हो जाएगी, मैं आपके पास एक इनका सवाल लेकर के आऊंगा। जी, जो हम मानदाता क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं, यदि आप लगातार यदि क्षेत्र का विकास यदि हुआ है तो भाजपा सरकार की पूरी देन है, चाहे वो पर्यटन स्थल का मामला हो, ओंकारेश्वर के जो परिदृश्य है जो नहीं वो लगातार हम देख रहे हैं कि ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी है। जो मानदाता निश्चित तौर पर हम बता रहे हैं कि पावर प्लांट की और भी योजना है मानदाता विधानसभा क्षेत्र में, कि बिजली का एक अच्छा, क्योंकि पानी नजदीक होने के कारण वो बहुत क्षेत्र को मतलब और ज्यादा शक्तिशाली प्रदान करता है, क्योंकि पानी जो है वो बिजली के लिए रहता था और बिजली के प्लांट और लगने की संभावना है। यही सवाल मैं भावरिया जी आपसे करता हूँ कि इन्होंने नारायण पटेल जी ने कहा है कि कुछ बड़ी सौगातें सीएम ने स्वीकार किए, वो जल्दी यहाँ पर मिल जाएगी, आपको क्या लगता है क्या हो सकती है? हाँ, वो तो सौगातें देने में और सौगातें कहने में तो वो मशहूर है ना, माहिर है इस मामले में, चार चुनावों से वो बोलते आ रहे हैं कि झूठे झूठे वादे नहीं देंगे, जो कहते हैं करके दिखाते हैं तब देने की बात, झूठे वादे नहीं होते हैं। कमलनाथ जी जैसे कर्जा माफ, अरे भाई कहाँ है, किसान बेचारे भटक रहे हैं, नगर पंचायत कहाँ तो बनेगी ना, अरे बनेगी आचार संहिता लग गए भाई साहब, अरे ये 10 तारीख के बाद देखो, 10 तारीख के बाद मुख्यमंत्री, अरे मुख्यमंत्री खुद आकर दोनों सौगातें अपने हाथों से देंगे। नहीं नहीं, एक मिनट भौरिया जी एक मिनट, देखिए भौरिया जी ने अभी एक बात कही थी, सुनील भाई भौरिया जी ने अभी एक बात कही थी कि वहाँ पे जो चुनाव हो रहा है वहाँ पे भाजपा कांग्रेस के बीच में नहीं हो रहा है, ये आपसी चल रहा है, यही बात वहाँ पर अभी कुछ देर पहले उत्तम पाल सिंह ने भी कही है, उन्होंने कहा है बीजेपी कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये कार्यकर्ताओं और धोखेबाजों का चुनाव है, आपको क्या लगता है? भैया धोखेबाज, यही तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस कहाँ से हमको धोखेबाज बता रही है, धोखेबाज कौन है? लेकिन लेकिन उनका एक विधायक आप तोड़ के लाए हो, धोखा देके लगनी सरकार मना ली, पूरा धोखा देके लगनी सरकार मना ली, और क्या जरा हमने हमने गिराई सरकार, हमने गिराई इतना बड़ा सिंधिया जी, जनता में जनता में एक ये संदेश तो है, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी आपकी जितनी संपत्ति नहीं होगी वहाँ एक बंगले हैं उनके, जनता में ये संदेश तो है, लेकिन जनता में ये संदेश तो जरूर गया है कि मतलब ये जो उपचुनाव की स्थिति निर्मित हो रही है वो इसीलिए निर्मित हो रही है कि भाजपा ने कांग्रेस के विधायक तोड़ लिए। भाई भाजपा ने कहां से तोड़ लिए, ये कांग्रेस के विधायक और मंत्री आए ना भैया, हमने कहां धोखा दे दिया, हमने किसको खरीद लिया, पुण्य का काम किया है, सभी विधायक कितनी बड़ी बात होती है, सरपंच को यदि अच्छा एक दूसरी बात नहीं दे सकता, विधायक और मंत्री इस्तीफा दे रहा है। उत्तम पाल सिंह ने अभी थोड़ी देर पहले ही एक बात और कही है वहां पर उन्होंने कहा है कि एक घटना हुई थी वहां पर बीच में कोई, उसकी शिकायत उन्होंने कलेक्टर और एसपी को करी थी, तो 2 घंटे बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उनका यह कहना था कि जो सरकारी मशीनरी है वो भाजपा के पक्ष में काम कर रही है इस बार। भैया आप कांग्रेस को हारने वाला ये सब चीजें आएगी, अभी तो देखो अभी तो ये हालत है कि भाई जीते ना, जब तो भूल गए कि ईवीएम मशीन खराब, अभी देखो रुको 10 तारीख के बाद रिजल्ट आए, अरे ईवीएम ने धोखा दे दिया, ये तो सब उनकी देन है, ये सब चीजें कांग्रेस के पास है, उनकी तैयारी है। उत्तम पाल सिंह ने ये जो आरोप लगाया है कि भाजपा की मशीन जो सरकारी मशीनरी है वो भाजपा के पक्ष में काम कर रही है, आप क्या बोलते हैं इस बारे में? ये देश पिछले 6-7 वर्षों से देखते चले आ रहा है, 2014 का चुनाव इन्होंने कैसे जीता है,
आप चुनाव जीते जब ईवीएम खराब नहीं है, जब कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, ये देश की जनता कह रही है। अन्य जगह पे यहाँ पर अभी दूसरी पार्टियां जीत रही है, वहाँ ईवीएम खराब नहीं है। सैकड़ों सभाएं इन 28 विधानसभा चुनाव के दौरान हमारे कांग्रेस के आला नेताओं ने भी की, इन लोगों ने भी की। जनता हाथ उठा उठा के जिन लोगों को ये अपनी पार्टी में ले गए लालच देकर, उनको लेकर जनता कह रही गद्दार है, गद्दार है, ये क्या कहेंगे। नारायण पटेल कह रहे हैं मानदाता में प्रचार के दौरान उन्होंने ये कहा है कि हमें जनता का यहाँ पे पूरी तरह आशीर्वाद मिला है, आपको भी लगता है कि मिला है आशीर्वाद वहाँ पर? वो तो 10 तारीख के दिन आशीष भाई मैं आपसे कह रहा हूँ, 10 तारीख के दिन देख लेना आपने मानदाता की जनता का, ये फिर मिलेगा उनको 20-21 दिन की चुनाव कैंपेनिंग में उनको कम से कम 75 से 80 गांवों में से भगाया गया है, खदेड़ा गया, उनको खदेड़ा गया, उनके जो नेता प्रचार करने गए उनको खदेड़ा गया है। उनके कुछ जगहों का वहां पर जहां से इनको मेरी बात विरोध वाली बात नहीं है, एक दो गांव में, अरे एक दो गांव में जो निर्दलीय प्रत्याशी प्रचार करने निकले थे छोड़ो उसके बारे की कहा, ये सदाशिव भाई आप गए नहीं, आपने देखा नहीं वहाँ पर कितना उत्साह और कितना स्वागत उनका हो रहा है। नारायण पटेल का हर घर में स्वागत हो रहा है, गांव गांव में इस बात के प्रमाण बिखरे हुए हैं, सदाशिव बावरिया गया नहीं गया प्रमाण बिखरे हुए हैं, और सुनील जैन नहीं गए हैं, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं नारायण पटेल की बात कर रहा हूँ, मैं जिस गांव में भी गए ये जो वहाँ पर महिलाओं से लेकर सभी ने सम्मान किया उनका और आशीर्वाद दिया जीत का, ये 10 तारीख को बताएगा रिजल्ट। कंडे अपना कर, इन्होंने इतनी अनैतिकता बरती है, इन्होंने संविधान का वहाँ इतना मखोल उड़ाया है, इनको अच्छी तरीके से हारने वाला ये सब ये सब चीजें तैयार है, ये इन्होंने सभी प्रकार के हथकंडे अपनाए हैं, अनैतिक तरीके से चुनाव जीतने के लिए हर प्रकार का इन्होंने हथकंडा वहाँ पर अपनाया, बर्तन बांटे हैं, कपड़े बांटे हैं, पैसा बांटा है, शराब बांटी है, हर प्रकार ये हारने वाला ये सब चीजें अभी सामने आएगी आपके, वो तो इस प्रकार शराब बांट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब चीजें अब क्योंकि दिख रही है कि डूब रही है नैया, तो ये सब चीजें आएगी, अभी ईवीएम भी आएगी खराब, अभी 10 तारीख के बाद कांग्रेस के सभी नेता ईवीएम ईवीएम करेंगे। अरे ये भैया किसकी डूबने वाली है, ये जनता सब बता देगी। दो दिन पहले की बात है, अभी एक वहां से एक आरोप लगा है कि जो पंधाना के विधायक है और जो आपके यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी है उनके सुपुत्र आपस में बीच में पैसों का लेन देन और शराब वाला की पेटी। भैया आप मीडिया वाले हो और आजकल तो मोबाइल और सब चीजें हाथ में रहती है, जो जो शख्स वहाँ पर जाके रिपोर्ट करा रहा है उसका मोबाइल को छीना नहीं गया, उसका मोबाइल कहाँ है भैया, उसकी वीडियो बताओ ना भैया, झूठ बोलने से क्या होता है, एक प्लान चुनाव में हथकंडे क्यों बना रहा, ये कौन हथकंडा है, आरोप लगते रहे तो मतलब आरोप लगते रहे तो आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है उसमें? झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है, माहौल बनाना क्या कि वहाँ ये आज विधायक जब वहाँ पर जब टाइम खत्म हो जाता है 5 बजे अपनी रवानगी लेके वहाँ से सब लोग निकल गए और 6:30-7 बजे हमारा राम दांगोरे वहाँ पर वहाँ मिलेगा, एक जन चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि है, उसको ये अकल नहीं है कि 5 बजे क्षेत्र छोड़ना है, झूठे आरोप लगाना, वीडियो दिखाओ, सामने लाओ ना चीजों। आपके राम दांगोरे के पीछे पीछे थे, मैंने देखा है अपनी आंखों से केनूद में परसों के रोज बात, तो फिर मतलब ये देखो आप खुद स्वयं बता रहे हैं कि हम मौजूद थे वहां पर 6 बजे के बाद, तो चल रही है बात, चलती रहेगी। इसके अंदर इस चुनाव में इस बार 8 प्रत्याशी कुल खड़े हुए भाजपा कांग्रेस के अलावा, एक प्रत्याशी ओंकारेश्वर से है जो राव परिवार से, राव जितेंद्र सिंह जी भी, माना यह जा रहा है कि ओंकारेश्वर हमेशा चुनाव में प्रभावित करता रहा है मतदाता को, तो इस बार आपको क्या लगता है कि राव जितेंद्र सिंह कुछ प्रभाव डाल पाएंगे? क्या रहता है भैया, देखो दो यदि प्रमुख दल यदि मैदान में जब लड़ते हैं तो बाकी निर्दलीयों का कोई अस्तित्व रह नहीं जाता, ये मानते हैं अपन कि कुछ परिवार के लोग हैं, कुछ समाज के लोग हैं, कुछ दोस्तों के वोट है, लेकिन कोई प्रभावित कुछ नहीं है, 2-4-500 वोटों से कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन 2-4-500 वोट तो बल्कि अपने आप के भैया परिवार ही रहता उतना बड़ा उतना ले जाएंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा हमेशा मतदाता से जीतती आई है और वहां से जो जीत का प्रतिशत रहा है उनका करीब 5-7 हजार वोट हमेशा मतदाता से आगे रही है, तो वो स्थिति बराबर रहेगी क्योंकि ओंकारेश्वर के विकास ने भाजपा में बहुत कुछ किया है और बिल्कुल ये नहीं है, आप नोट करके रखना ना कि ओंकारेश्वर में और ज्यादा लीड बढ़ेगी भाजपा की, क्योंकि असल में वहाँ पर मानदाता के लोगों का हमेशा एक मांग रही है कि आदिवासी कोई नेता कभी आगे नहीं आया है, तो इस बार उन्होंने राव जितेंद्र सिंह को आगे किया है, आपको लगता है राव जितेंद्र सिंह के आने से भाजपा को नुकसान होगा? पूरा भाजपा को नुकसान है, और अभी अभी आपने जैसा ओंकारेश्वर के बारे में इनसे प्रश्न किया है जी।
हम आपको बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को कि इस बार हम ओंकारेश्वर से भले ही एक वोट से जीते, वहां से इस बार हम जीत के आ रहे हैं ओंकारेश्वर। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि 15 वर्ष में जितना इन लोगों ने ओंकारेश्वर के लोगों का शोषण किया है, उनसे झूठ और फ्रेब किया है। काम भी हुए हैं ओंकारेश्वर में, मंदिर को लेकर के जो सारी व्यवस्थाएं जमाई गई है शायद वो पहले से बेहतर है जी। वो तो इनको करना ही था, वहां से लाखों रुपया मिलता भी है। आज ट्रस्ट को जो है पैसा मिल रहा है तो पैसा कहाँ लगाएंगे? राव जितेंद्र सिंह आदिवासियों को वोट काट सकते हैं ओंकारेश्वर से? ओंकारेश्वर में ज्यादा वोट आदिवासियों के नहीं, वो एक उनका मैं जहां तक हमने देखा है कि ज्यादा से ज्यादा वो 5,000 वोट तक ले जा सकते हैं। अगर 5,000 वोट भी लेके जाते हैं तो वो किसके लिए नुकसानदायक है? वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक सीधे सीधे। मतलब क्या यही कैलकुलेशन कर रहे हैं? 5,000 वहाँ की संख्या कितनी होती है भाई? 5,000 वोट ले जाएगा। सीधा गणित ये है कि ओंकारेश्वर के तीर्थ नगरी के विकास के लिए हमारी सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इतना कुछ किया है, वहाँ की जनता पूरी तरह से भाजपा के साथ है और जो रिजल्ट पहले रहे उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट नारायण भाई के पक्ष में ओंकारेश्वर में मिलेंगे और ज्यादा लीड हम 10 तारीख को आपको बताएंगे ओंकारेश्वर। वो तो 10 तारीख को तुम भी देखना, हम भी देखेंगे, पूरी जनता देखेगी। बार बार ये कहा है कि जहाँ पे भाजपा को अपनी स्थिति कमजोर लगती है वहाँ पे बार बार मुख्यमंत्री को पहुंचाया जाता है। मुख्यमंत्री मांधाता में भी 5 बार आए हैं, 4 बार नेपानगर में भी आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि वाकई मांधाता में भाजपा की स्थिति कमजोर थी इसलिए बार बार आना पड़ा? भाई साहब एक चुनाव नहीं 28 जगह चुनाव हुए और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ मांधाता में भले 4 बार आए हैं, लेकिन फुर्ती और इच्छा शक्ति होना कि जनता से मिलने का जो थोड़ा सा वो होना, इसलिए उनकी बात फूटती है, इच्छा शक्ति है, सात सात सभाएं उन्होंने ली है और एक मानदाता नहीं है, और भी अन्य जगह पे वो 6-7 बार गए। जनता से मिलना और वोटरों से मिलना कोई अपमान है क्या? आपका काम है जनता से रूबरू होना, है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम है, वो जनता को भगवान मानते हैं, उनको भगवान से मिलने जाने में क्या तकलीफ है? दूसरा तुम्हारे पास नेता नहीं। भवरिया जी एक सवाल आपसे कि कांग्रेस में उतने बड़े नेता यहाँ पर नहीं आए प्रचार के लिए जितने भाजपा ने लगातार यहाँ पर एक के बाद एक को दिग्विजय सिंह को बुलाएंगे तो गड्ढा करके जाते हैं। किसको बुलाते हैं वो? राहुल गांधी, बोल लो आप। उसके बाद प्रियंका गांधी का प्रोग्राम बना, लेकिन कहाँ है भैया ये स्टेप के आएंगे क्या कि एक महिला को जिनके उनके अपने मंत्रिमंडल में खुद मंत्री नहीं है उनका नाम नहीं जानते? कमलनाथ जी आइटम कितनी बड़ी बात है, दुर्भाग्य पूरा देश थू थू कर रहा है। राहुल ने बोला ये दुर्भाग्य का विषय, मैं माफी मांगता हूँ राहुल कमलनाथ जी, क्या है ये? मतलब ये हालत है, इसीलिए प्रियंका गांधी, सचिन पायलट और राहुल मांधाता से दूरियां बनाई है और दिग्विजय सिंह को तो ला नहीं सकते। दिग्विजय सिंह को लाना तो ये है कि यहाँ पे मालूम है कि क्या करके गया था गड्ढे। इस बार चुनाव में दिग्विजय सिंह की भूमिका उतनी नहीं दिखी जितने हर बार वो सक्रिय नजर आते हैं। नहीं नहीं, मांधाता में भी एक बार भी नहीं आया, इसका क्या कारण? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, टिकट उनका है, टिकट उनका दिग्विजय सिंह का। उनका जो भूमिका रही उनको अशोक नगर और उस साइड की 3-4-5 सीटों के ऊपर वो प्रदेश में कहीं नहीं घूमा भैया, घुमाए नहीं उनको, जो वो गए चेहरे को घुमाए नहीं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में वहां पर अपनी सब पूरी भूमिका अदा करी। भाजपा ये आरोप लगाती रही है कि दिग्विजय सिंह को इसलिए मैदान में नहीं उतारा है कि उनकी छवि खराब हो रही है। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। तो दिग्विजय सिंह जी ही आएंगे वहां गड्ढा करते हैं इसलिए किसी ने नहीं बुलाया। टिकट भले ही ले लिया राजनारायण सिंह जी ने, टिकट जरूर ले लिया लेकिन दिग्विजय सिंह को मना कर दिया आना मत। ये जो भ्रम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता है कांग्रेस में कि इनके झूठ का पर्दाफाश कर देते हैं, इससे ये घबराते हैं। राजनारायण सिंह दिग्विजय सिंह गुट के ही माने जाते हैं, शुरू से इनकी राजनीति उनके इर्द गिर्द ही घूमती रही है, तो मतलब लोगों को ऐसी उम्मीद थी, स्थानीय मतदाता भी ये चाह रहे थे कि एक आध बार दिग्विजय सिंह वहां पर आते, तो क्या कारण है कि दिग्विजय सिंह को यहाँ से दूर रखा गया? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई दूर नहीं, इस बात के क्या प्रमाण है कि उनको जानबूझ के दूर रखा गया? ऐसा नहीं है, कमलनाथ जी आए यहाँ पर, कांतिलाल जी भूरिया आए, अन्य दूसरे लीडर यहाँ पर आए। मतलब कांग्रेस ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मामले में ओवर कॉन्फिडेंस है यहाँ पे कि बहुत मजबूत? नहीं 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 नहीं, हम बिल्कुल भी एक नए पैसे के भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। जिस तरह शिवराज सिंह यहाँ पे 4 बार आए, यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, यहाँ पर आपके कैलाश विजयवर्गीय हालांकि वो आने वाले थे नहीं आए, इस तरह बड़े बड़े नेताओं को लेकर आए, वो बार बार यहाँ पर आए। आसिफ भाई मैं बता दूं, मैं स्वयं भी आई विटनेस रहा हूँ और इस बात के प्रमाण बिखरे हुए हैं। इनका मुख्यमंत्री पहली बार जब पुनासा में आया मांधाता विधानसभा क्षेत्र में, तो 150 पब्लिक
और करीब 2500 अधिकारी कर्मचारी और आंगनवाड़ियों की महिलाएं। हालांकि जो पहले बार जो दौरा हुआ था वो कोरोना के डर में वो वाला माना जा रहा था, दूसरा भी पिटा गया था, तीसरा भी पिटा गया। हमारे छोटे से छोटे नेता वीडियो देखता है भैया, छोटे से छोटे नेता की सभाओं में 5-5, 7-7, 10-10 हजार पब्लिक। इनकी ये बात सही है, मैंने कमलनाथ वाली सभा भी देखी, कमलनाथ की सभा में बहुत सारे लोग थे, जितने शिवराज सिंह जी की सभा में नहीं थे उससे ज्यादा कमलनाथ की सभा में थे। आप इसको क्या बोलते हो भैया? चारों जगह पे जहाँ मुख्यमंत्री की सभा हुई है, चारों के आप वीडियो देखो, और चारों में उत्साह के साथ वहाँ की जनता ने भाग लिया है। और उसके बाद जितने भी नेता है, चाहे सिंधिया जी आए, उनकी भी आप भीड़ देख लो, और कैलाश जी ने भी चारों जगह जो अभी रोड शो किया है, वो जो भीड़ दिखा रही है कि माहौल किस पक्ष में है। 10 तारीख को भाजपा का कमल खिलना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, बीच बीच में मानदाता में कुछ अजीब अजीब घटनाएं होती रही हैं, जैसे कि भाजपा ये कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनकी गाड़ी से एक आदिवासी बालक की मौत हो गई थी, उसके दूसरे दिन आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा में एक किसान की मौत हो गई। तो दोनों मामला वहाँ पर उछला इसलिए नहीं कि दोनों पार्टी को लगातार एक के बाद एक इंसिडेंट ऐसे हो गए, आपको लगता है कि ये मामला बुनाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल अजय भाई आपकी मतलब ये बढ़िया बात है, इस प्रकार की घटनाओं में राजनीति नहीं लाना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना अपने आप हो जाती है, कोई दुर्घटना करता नहीं है। कोई भी ड्राइवर किसी को मारने की कोशिश नहीं करेगा, चाहे वो कांग्रेस की गाड़ी हो, उत्तम पाल सिंह खुद बैठे हो, मेरा मतलब उसमें वो नहीं है कि जरा सी भी उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। एक घटना सिर्फ घटना ये हो गई कि भाई ड्राइवर की गलती, ड्राइवर जानबूझ कर मारता बच्चे को, वो घटना हो गई, उसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। हमारे सभा में भी किसान यदि मान लो आगे बैठा है, उसका कोई कारण हो सकता है, हार्ट अटैक हो गया, कोई हो, उसको राजनीति मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं यदि होना, ये राजनीति उसको जोड़ देना, ये मैं इसको ठीक नहीं मानता, लेकिन मैं इस क्षेत्र की जनता को और दोनों पार्टियों को इसमें मानता हूँ कि वो दोनों मुद्दे को इस चुनाव में नहीं उठाए। हमने वहाँ पे जो सर्वे किया है काफी देर रहे हम, तो उसके ऊपर भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर हमारा यह विशेष कार्यक्रम चल रहा है, मतदाता का किंग कौन। हमारे बीच में मौजूद हैं श्री सुनील जैन, भाजपा के प्रवक्ता हैं, श्री सदाशिव भौरिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं। आइए अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मछुआरों को लेकर हमेशा यहाँ पर मुद्दे उठते रहे हैं, चूँकि बहुत बड़ा इंदिरा सागर डैम का जो जलाशय है, शायद एशिया का सबसे बड़ा जलाशय है, और यहाँ पर जो मछलियों का जो उत्पादन हो रहा है वो काम पूरा सरकार ने एक निजी कंपनी को दे रखी है। स्थानीय मछुआरे उसका लगातार विरोध करते रहे हैं। आपने मछुआरों के बीच में बहुत काम किया है, आप भी उसी समाज से आते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, ये 2004 में इंदिरा सागर डैम के गेट बंद करके पानी रोका गया, तो उससे जलाशय का स्वरूप मिल गया जी। हम उसी दिन से जो है सरकार से मांग कर रहे थे कि पिछली सरकार जिसने इसको बनाया है, यानी कि कांग्रेस की सरकारों के समय ये डैम बनकर तैयार हुआ जी। और दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे, कंप्लीट होने के बाद में उन्होंने कहा कि ये मैं एक्चुअल मछुआरों को जो उसमें डूबे हैं, विस्थापित हुए, प्रभावित हुए, उन्हीं लोगों को ये मिलना चाहिए जी। परंतु 2003 में के चुनाव में उनकी सरकार नई नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 2004 में उसके पहली बार गेट बंद हुए। एक प्रयोग के बतौर हमारे एक मछुआ भाई को वो प्रयोग के बतौर 1.5 साल के लिए दे दिया गया, कैसा उत्पादन इसमें से होगा, क्या होगा। उस समय स्थानीय मछुआरों की जो उसके डूब से प्रभावित हुए थे उन लोगों की समितियां बनाई गई, 16-17 समिति स्टार्टिंग में बनाई गई थी। हाँ। और उन लोगों को मजदूर बना के उस जलाशय में उतार दिया गया, और क्योंकि मत्स्य महासंघ उसका मालिक बन गया है, इंदिरा सागर डैम, ओंकारेश्वर डैम, बड़े बड़े डैम है जी। उन्होंने वो 1.5 साल के प्रयोग के बाद में उन्होंने एक बड़े ठेकेदार को मछली खरीदने के नाम पर ठेका दे दिया, और दुर्भाग्य की बात यह कि मछली पकड़ने वाले वहां के मछुआरे जिनको 14 रुपए से लेकर 22 रुपए किलो तक की मजदूरी दी जाती थी, वो मछली मत्स्य महासंघ ले लेता था, और उस मछली को जो भी टेंडरिंग में जो रेट फिक्स हो जाता था उस रेट पर वो ठेकेदार को दे देते थे। हाँ, ठीक है। ये एक प्रक्रिया तो बहुत अच्छी थी, ऑन पेपर देखने बहुत अच्छी थी, परंतु एक्चुअल में होता यह था पौधे के पीछे
कि मत्स्य महासंघ से पकड़ी हुई मछली खरीदने के नाम पे ठेकेदार को वो समूचा डैम मत्स्य महासंघ सौंप देता था। अच्छा। वही मछुआरों की व्यवस्था करेगा, वही जाल नाव देगा, वही सब कुछ करेगा, मछली कलेक्टर वो करेगा, जबकि ये सब सारे काम मत्स्य महासंघ को करना चाहिए जो नहीं करे। उसके बाद में फिर ये दोबारा ठेका हो गया और मैं 15 साल तक हमारा जो एक संगठन था नर्मदा घाटी मछुआ संघ, उसके माध्यम से लगातार मैं आंदोलन चलाते रहा। परंतु आज क्या स्थिति है मछुआरों की वहां पर? आज भी वही की वही स्थिति है। 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार आई थी उसमें मैंने मछुआरों को ठेकेदारी प्रथा से मुक्त कराने के लिए मेरे स्तर पर बहुत ज्यादा, चूंकि इस बीच में फिशरमैन कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी बन चुका था, मैंने उस स्तर पर बहुत काम किया और लगभग लगभग वो ठेका प्रथा समाप्त होने के कगार पे ही आई थी। फरवरी में अंतिम डिसीजन हुआ, उस पर जो सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप कमेटी बनाई और वो निर्णायक दौर में पहुंचने ही वाली थी और 20 मार्च को जो है 2020 में सरकार को दिखा। कांग्रेस प्रत्याशी ने वहां पर ये घोषणा करी कि अगर उनकी पार्टी जीतती है तो जो ठेकेदारी प्रथा है वहां पे उसको खत्म करके स्थानीय मछुआरों के हाथ में ये व्यवस्था सौंप दी जाएगी, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? निश्चित तौर पर भाजपा का संकल्प ये है सबका साथ सबका विकास और हर वर्ग की चिंता भाजपा करती है। लेकिन ये वाली जो घोषणा कांग्रेस ने करी अपने मैनिफेस्टो में, वाला ये मामला है, यदि उसमें जनता को और वहां के लोगों को फायदा मिलेगा निश्चित तौर पर इसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी भी नापुर नहीं करेंगे। और यदि इस प्रकार यदि वहाँ की जनता को जिस प्रकार की सहूलत मिलेगी, प्रदेश का मुख्यमंत्री हर गरीब की चिंता करता है, हर गरीब की चिंता करता है। यदि मान लो आपके कार्यकाल में 15 महीने में आप लोग कार्यकाल आप प्रदेश अध्यक्ष रहे 15 महीने में यदि आप उस काम को नहीं गति दे पाए, लेकिन हमसे क्या ऐसा करते हो? हम काम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे हर वर्ग की चिंता मामा करता है। और आने वाले समय में यदि आपका ये मुद्दा जो आपने बोला मजदूर बना रहे मजदूर, तो आपकी बात का भी सम्मान करेंगे और आपकी बात यदि है तो उसको भी हम मुख्यमंत्री तक लेके जाएंगे और जनता और भागे हितों का जिसमें लाभ होगा वही काम होगा। मतलब स्थानीय लोगों को बात घूम फिर के यहाँ पे फिर वही आ जाती है स्थानीय लोगों को रोजगार वाली बात। असल में जो इंदिरा सागर प्रोजेक्ट है उसमें पूरी शुरुआत में यही बात हुई थी कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, काम वहाँ पर प्रोजेक्ट में लोगों को काम मिलेगा, जो मछली उत्पादन है उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ से आयात होगी मछलियाँ निर्यात की जाएंगी, तो वाकई आज देश भर में यहाँ से निर्यात हो भी रही है। लेकिन उसका जो लाभ मछुआरों को या स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए वो शायद आज भी नहीं मिल रहा है और लोग वहाँ पे परेशान हैं। इनकी सरकार तो आशीष भाई, इनकी सरकार तो शुरू से जो है पूंजीपतियों का को सपोर्ट कर रही है। यदि इनके मन में जरा भी दर्द होता मछुआरों के प्रति, ठेके नहीं होने देते, ठेके इनके कार्यकाल में हुए हैं। और 2000 आपको जानकारी नहीं है, आपने सुनिए 2008 में आपकी सरकार ने मछली पालन नीति बनाई, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। 2008 में शिवराज सिंह सरकार ने मछली पालन नीति बनाई और उस मछली पालन नीति में इस प्रदेश की हर जाति के व्यक्ति को तालाब पट्टा आवंटन क्रम में जोड़ दिया। क्या बातें कर रहे हो आप? कौन से मछुआरों कौन से गरीबों की बात कर रहे हो आप? मध्य प्रदेश के आप बताइए ना, यहाँ पर तालाब जो है मछुआरों के पास नहीं है, बड़े बड़े जो मानदाता विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर मछुआरा जो संघ है या मतलब मछुआ जाति से संबद्ध कितने लोग होंगे यहाँ पर पूरे जिले के अंदर? यदि हम मान ले तो लगभग 70,000 से अधिक। और मानदाता में कितने ऐसे परिवार होंगे? यदि मतदाता की बात करें मछुआरों की तो लगभग 12,000 वोट मछुआरों का है। तो जो मछुआरों के जो वोट है वो किसको पड़ने वाले हैं? वो तो ये अभी 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से अपने घोषणा पत्र में हमारे लिए 17 बिंदु उसमें नहीं वो अगर जैसे अगर 12,000 मतदाता वहां पर मछुआ संघ से हैं, अरे परिणाम काम को रिजल्ट चाहिए। तुम जो चुनाव की सेवा करना है चुनाव जीतने तरीके को जनता देख रही है। जैसे 12,000 मछुआ मतदाता हैं मतदाता विधानसभा क्षेत्र नहीं मध्य मानदाता में 12,000 मछुआ अगर मतदाता हैं तो उनके तो बहुत सारी समस्याएं हैं, तो क्या ये वाले वोट कांग्रेस को मिलेंगे? बिल्कुल कांग्रेस को मिलेंगे। मैं स्वयं जो है 2 महीने से उनके बीच में घूम रहा हूँ एक एक गांव के अंदर। और सुनिए,
अभी 28 विधानसभाओं के लिए जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है मानदाता विधानसभा वाले घोषणा पत्र में भी अच्छा। कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी ये ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी जाएगी। कमलनाथ हम एक्चुअल काम करते हैं और ये फिशरमैन कांग्रेस, कांग्रेस की सरकार बनेगी फिशरमैन कांग्रेस जो है किसी भी कीमत में सरकार के नाक में दम कर देगी कि आप इसको करिए, नहीं तो इनका भाजपा मछुआ पर चलिए। नहीं ये एक बात हो गई, दूसरी बात ये केवल दिखावा, दूसरी बात ये कमलनाथ जी बाकी काम कर नहीं देते हैं। कमलनाथ जी और वहाँ पे जो स्थानीय जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक वादा किया है कि वो अगर सरकार में आते हैं तो 70% लोगों को रोजगार दिया जाएगा स्थानीय परियोजनाओं में। जो घोषणा पत्र में हमने जो बताया है और हमने आपने आज नहीं देखा, 15 साल सरकार ऐसे ही नहीं चलाई है, झूठे वादे नहीं करे थे, नहीं तो दूसरे साल ही रोड पे ले आती जनता, जनता सब समझती है, जनता पूरी तरह से एक एक चीज को जानती है। आज देखो गरीबों की योजना, गरीबों की योजना को बंद कर दिया, संबल योजना 5,000 रुपए किसी गरीब को कफन के लिए दे रहे थे, कमलनाथ जी से वो कफन के पैसे भी खा गए, लेकिन कांग्रेस ने दूसरी आज मेरा मतलब योजना में राशि भी तो बढ़ा दी थी ना भाई, 26,000 की जगह बोले नहीं शिवराज 26 दे रहा है, मैं कौन दूंगा मेरी बच्चियों को, तो वो क्या हुआ मतलब देखिए, अरे 1,00,000 से ज्यादा शादियां जिले के अंदर हो गई है, बच्चियों की बच्चियां माँ बन गई है और आज भी दर दर भटक रही है और 51,000 को ढूंढ रही है, ये ऐसा होता है। एक 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 बता दे, देखिए बहुत सारी योजना है, जैसे वो बेचारे जैसे भाजपा की जो नहीं नहीं मेरी बात तो सुनो, जैसे जैसे भाजपा की सूची निकलवा लो, जैसे भाजपा की भावांतर योजना थी, एक मिनट एक मिनट भौरिया जी, एक मिनट शादियां कमलनाथ जी के समय हुई है, एक कन्या को पैसा नहीं पहुंचा है, एक मिनट एक मिनट कृषि मंत्री ने 26,00,000 लोगों की सूची में भौरिया जी, एक मिनट भौरिया जी, एक मिनट किलो ये देना, जो भावांतर योजना है जैसे आप बोल रहे हैं कि कमलनाथ ने बहुत सारी योजनाएं बंद कर दी, लेकिन जैसे भावांतर योजना है उसको उन्होंने चालू रखा, ये जो कन्यादान योजना है इसको चालू रखा, इसके अंदर और भी राशि, और भी राशि बढ़ाई, और भी राशि बढ़ाई तो, लेकिन उनका ये आरोप था, उनका उनका ये आरोप था कि पिछली सरकार है ना वो कर्जे में डाल के गई है प्रदेश में, इस बारे में क्या कहेंगे। हमने भी दिग्विजय सिंह सब जब पिछड़ा बना दिया था और मुख्यमंत्री जब हमारे बैठे तो ये नहीं बोला कि ये तो पूरा खाली करना खजाना, लेकिन हमने चमन करके दिखाया है आज मध्य प्रदेश का पिछले दिनों एक क्षेत्र में नाम होता पाया चमन पिछले दिनों एक मिनट एक मिनट एक मिनट भौरिया जी पिछले दिनों शिवराज सिंह का एक बयान आया था कि जो कमलनाथ थे वो रोतले मुख्यमंत्री थे, आप क्या बोलते इस बारे में, रोतले मुख्यमंत्री थे, बार बार रोते रहते थे, ये पिछली बार अपने यहाँ बोल करके गए थे शिवराज सिंह, बोल के गए थे कि कमलनाथ रोतले मुख्यमंत्री थे, भैया पैसे का बहाना, पैसा नहीं है, पैसा नहीं, ऐसा सरकार चलती क्या भैया, तू उद्योगपति है वो अपने पास से लगा ना वो लगाया जा, लेकिन शिवराज सिंह जी दहेज में लाए तो पैसे अपने ऐसा इच्छा शक्ति होती तो सब काम मुख्यमंत्री है, मानदाता मानदाता से हमारा एक फीडबैक, तुमने सरकार मानदाता से एक फीडबैक आया है वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, भौरिया जी एक मिनट, अपन अपन मानदाता हम मानदाता पे वापस आते हैं, मानदाता से एक फीडबैक आया है कि जैसे कुछ समाज के लोग हैं जो भाजपा को वोट नहीं देना चाहते, तो ऐसा सुना गया है कि वहाँ पे भाजपा उनको ये कह रही है कि आप वोट मत दो, हमको मत दो तो कांग्रेस को भी मत दो, और उनको पैसा देकर के उन्होंने दूसरी जगह बढ़ा दिया, इस बात में कितनी सच्चाई है। नहीं ये आप ये मुझे सुन रहा हूँ, लेकिन मेरा मतलब है कि इन्होंने यही किया, मतदान मतदान हर व्यक्ति का धर्म है, ये लोकतंत्र का मतलब ऐसे आरोप लगते रहे, मतलब इस बारे में आप क्या बोलोगे। हमको 50 जगह से खबरें मिली है कि जो इनको वोट नहीं देगा उसको वोट डालने ही मत दो, वो खटकरम भी इन्होंने किए, वो हथकंडे भी अपनाए, सरेआम अपनाए, सास की मशीनरी पूरी काम कर रही है और बोले कि हथकंडे अपना रहे, रोक रहे लोगों को, आज ये 70% 80% कर लेते हो, हम तो चाह रहे कि एक एक मतदाता मतदान डाले, चाहे किसी को भी डाले, लेकिन हमारा ये रहा पूरी तरह प्रचार करने का उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा मतदान होना चाहिए, मानदाता मानदाता का एक तो अभी 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 जो वहाँ पे अभी जो वहाँ पे मतदान चल रहा है, भौरिया जी एक मिनट, अभी जो मतदान चल रहा है वहाँ पर एक गाँव ऐसा है जहाँ पर मतदान का बहिष्कार किया है, वहाँ पर अब तक के लोग मतलब प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता लोगों को मना नहीं पाए हैं कि वो जाकर के वोट करें, उस बारे में क्या बोलोगे। नहीं कुछ गाँव की
बड़ी समस्या रहती है, लेकिन लोग ये भी जानते हैं कि मत देना जरूरी है, कुछ समस्याएं लेके शासकीय मशीनरी जाती है और भी नेता आश्वासन देते हैं और वो लोग डालते हैं मतदान। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस बार के चुनाव में उपचुनाव में एक भी गांव आपको ऐसा नहीं मिलेगा शाम तक आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि कोई भी ऐसा गाँव नहीं होगा जहाँ की पूरी तरह से मतदान नहीं हुआ। अच्छा चलो, आखिरी हम दो शब्दों में ये बात पूछते हैं कि मतदाता से कौन जीत रहा है, मतदाता का किंग कौन? मतदाता का किंग आपको देख रहे हैं जो इन्होंने पहले बोल दिया लेकिन जो पूर्व विधायक है, जो पूर्व विधायक है वो वर्तमान विधायक 10 तारीख को बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नारायण पटेल को घर भिजवा रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे एकीलाल उत्तम पाल, मतदाता विधानसभा क्षेत्र को लेकर हम बात कर रहे थे मतदाता का किंग कौन। हमारे बीच में मौजूद थे श्री बवरिया जी और सुनील जैन जी। हम काफ़ी सार्थक बातचीत हुई है यहाँ पर। परिणाम जो भी हो, परिणाम तो 11 तारीख को हमारे सामने आएंगे। आज मतदान हो रहा है, मतदान बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। माना यह जा रहा है कि 80% मतदान यहाँ पर जा सकता है। दोपहर 3 बजे तक की रिपोर्ट 61% मतदान की थी। तो दोनों ही दलों को हमारी तरफ से शुभकामनाएँ। अभी मतलब हम तो दोनों को ही जीता हुआ मान रहे हैं और दोनों को ही जीत की अभी से अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको भी, जो नया चैनल आपने चालू करा उसके लिए बहुत बहुत अच्छे आपके प्रयास हैं। इस प्रकार खंडवा की जनता को हर गतिविधि के समाचार आप पहुंचाते रहे, यही उद्देश्य।